इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक्स के टोक्यो में जो बॉक्सिंग का मुकाबला चल रहा है वहां पर लवलीना का मैच जारी है। दूसरे राउंड में भी तुर्की की बॉक्सर आगे हो गई है, यानी कि समीप पहले राउंड में तो तुर्की की बॉक्सर ने डोमिनेट किया, दूसरे राउंड में भी ये डोमिनेशन बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है और लवलीना से मुझे उम्मीद थी कि ज्यादा बेहतर बॉक्सिंग करेंगी, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले निश्चित तौर पर बेहतर बॉक्सिंग की है। लवलीना के पास एडवांटेज जरूर है हाइट का, लेकिन इनएक्सपीरियंस है क्योंकि बुसनास जो बॉक्सर है सुरमेनेली और टर्की की बॉक्सर है, वर्ल्ड की टॉप रैंक बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है मौजूदा अपने कैटेगरी की, तो ये आसान बाउट नहीं थी लवलीना के लिए। सबसे जो टफ बाउट अब तक उन्होंने खेली है वो ये वाली बाउट थी और इस बाउट में उनके लिए एक एसिड टेस्ट था और इस बाउट से निकलना कोई आसान काम नहीं था लवलीना के लिए। लेकिन एक बार फिर वही बात होती है कि ब्रॉन्ज के बाद वो जो लाइन होती है, लाइन हम लक्ष्मण रेखा ना, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, फाइनल पहुंच के खुश हो जाते हैं या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है तो खुश हो जाते हैं। हमारे साथ दो बॉक्सर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख सकता हूं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। यहां पर गौरव बिदुरी हैं और राजेश हमारे साथ है। गौरव, पहले आपसे, क्योंकि ये राउंड अभी खत्म होना बाकी है, तीसरा राउंड, कोई चांस आप देख रहे हैं कि लवलीना यहां जो डिसएडवांटेज हुआ है, जो हारी है पहले दो राउंड में, पीछे चल रही है, तीसरे राउंड में पूरा करके फाइनल में जगह बना सकती हैं? अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से अभी टर्किश बॉक्सर खेल रही है, उसने पहले राउंड में तो लवलीना खेल रही थी अच्छा स्टार्ट किया, तो उसने आई डोंट नो सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में टर्किश बॉक्सर विद बहुत एग्रेशन के साथ आ गई और पूरा यूनेनिमस अपने फेवर में किया और प्लस उसको एक वार्निंग भी मिल गई लवलीना को क्योंकि उसने स्टॉप के बाद पंच मारे थे जो एक बॉक्सिंग में फाइट में एक फाउल माना जाता है। तो अभी तो मतलब एक नामुमकिन सी फाइट है बिकॉज अंटिल अनलेस आप नॉकआउट कर दो तभी आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज तो अभी फाइट आपके हाथ से जा चुकी है। मतलब राजेश बहुत जी जी बोलिए राजेश जी, ये कहा जाए कि जो इनएक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा छोटा साबित हो गया टर्किश बॉक्सर के सामने। नहीं, कहीं ना कहीं मार्टा बॉक्सर जवाब अभी जिस तरह से मतलब पहले राउंड में तो लगा था नहीं खेलना चाहिए था, क्वार्टर फाइनल अपना प्री क्वार्टर खेली थी अच्छे बॉक्सर के साथ, उनको मारा था, तो सोचा था कि इस बार शायद वो अभी अच्छा लाइक इस फाइट में भी अगर वैसी फाइट खेलेगी तो जीत जाएगी, बट पहले राउंड में थोड़ा सा लगा उसके बाद वापस अंडर प्रेशर में आ गई या दूसरे बॉक्स में ज्यादा प्रेशर, उसको ज्यादा अटैक करके पंचेस से पुश उश करके थोड़ा ज्यादा उसको लाइक आई मीन एग्जॉस्ट कर दिया, तो अभी उसके बाद उसकी मतलब सेकेंड राउंड में स्टार्ट होते ही परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गया एंड शी कुड नॉट रिकवर और अभी लास्ट राउंड में भी शी इज गॉन आई गेस। राजेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है सर। जी जी राजेश जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये ऐसा क्यों होता है कि विजेंद्र ब्रॉन्ज सेमीफाइनल पहुंच के अपना बेस्ट हमने उनसे नहीं देखा, कहीं ना कहीं वो एक आप संतुष्टि हो जाती है मुझे ऐसा लगता है, और यही चीज मैरी कॉम के साथ हुई है, ब्रॉन्ज लेकर संतुष्ट हुई और अब लवलीना भी, ये ना बातें चल रही थी लगातार जर्नलिस्ट के बीच में, फैंस के बीच में कि अब ये जो है वो फाइनल पहुंचने की चांसेस कम होते हैं, क्या ये एक वजह है कि एक बार जब मेडल पक्का हो जाता है बॉक्सर थोड़ा कॉम्प्लेसेंट थोड़ा ढीला पड़ जाता है कि मेडल तो मिल गया है मेरे को, अब मुझे और फाइट करने की क्या जरूरत है? नहीं, इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं है। देखो टर्किश बॉक्सर वर्ल्ड नंबर वन है, 2019 में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसने जो सुरमेनेली है उसने गोल्ड जीता था, और जो टर्किश बॉक्सर है वो अटैकिंग बॉक्सर है और जो हमारी लवलीना बॉक्सर है वो काउंटर करके डिफेंस करके फिर अटैक करती है, तो आप उसकी स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हो पाई लवलीना और टर्किश बॉक्सर जी तो स्ट्रेटजी थी वो उसमें कामयाब नहीं थी जी। और इसी मैं आपको रोकना चाहूंगी राजेश, जिस स्ट्रेटजी की और जिस कॉम्प्लेसमेंटनेस की बात समीप कर रहे थे उसी से जुड़ी एक खबर भी आ रही है, सेमीफाइनल्स मुकाबला लवलीना हार गई हैं, हालांकि मेडल जरूर पक्का है, जैसा कि समीप हम लोग ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि ब्रॉन्ज मेडल तो मिलेगा लेकिन ये मुकाबला हार गए, और एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो गया, क्या जो ओपोनेंट बॉक्सर होता है वो इतना मानसिक दबाव भारत के बॉक्सर्स को दे देता है कि हम आगे के लिए कोशिश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब लगातार सेशंस होते हैं प्रैक्टिसेस चलती हैं साल साल दो दो साल, ओलंपिक्स की बात करें तो पांच पांच साल की मेहनत है, पांच पांच साल की प्रैक्टिस है, और ऐसे में स्टडी तो हर ओपोनेंट बॉक्सर किया जाता है, खासकर समीप वो जो नंबर वन है जो नंबर टू है जिनसे जिनकी स्ट्रैटेजीज जिनकी टेक्निक से हमें ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, लेकिन चलिए ब्रॉन्ज लेकर आई अपने पहले ओलंपिक्स में और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और एक और हिंदुस्तान की बेटी ने एक ब्रॉन्ज मेडल तो जीता और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है।
और वो भी लवलीना बोरगोहाई जो पहली बार ओलंपिक्स में गई, और जैसा कि राजेश जी भी बता रहे थे, गौरव भिदुरी भी बता रहे थे, उम्मीद है हमारे साथ अखिल कुमार भी जल्दी जुड़ेंगे जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला आ रहे थे 2008 बीजिंग गेम में। तो हम इन दिग्गज बॉक्सर्स से भी बात करेंगे कि क्या हुआ कि यहाँ पर लवलीना जो है आखिरी हर्डल पार करके फाइनल तक में जगह नहीं बना पाई, एक कदम दूर थी सिल्वर और गोल्ड से। गौरव अगर बात करें जिस तरीके की फाइट की लवलीना ने पूरे ओलंपिक्स में, काबिले तारीफ है इस लिहाज से कि उनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था और एक युवा सिर्फ 23 साल की बॉक्सर हैं और इनसे बहुत आगे जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं जिस तरीके से अपने पहले ओलंपिक्स में प्रदर्शन किया है लवलीना ने। हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह से आपने देखा इसकी प्रीवियस फाइट्स में बहुत अच्छा खेली है अपनी क्वार्टर फाइनल्स में, तो मैंने काफी पीछे भी इंटरव्यूज में बोला अगर वो सेम इसने परफॉर्मेंस रखी तो डेफिनेटली सबको मारेगी एंड सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगी। बट अभी इस फाइट में आई डोंट नो क्या हुआ, पहले राउंड तो इसने अच्छा खेला थोड़ा सा, बट दूसरे राउंड के बाद जब इसको वार्निंग मिली और थोड़ा सा थक गई, आई डोंट नो एग्जॉस्ट कैसे हो गई, आई गेस टर्किश बॉक्सर की अच्छी प्लानिंग थी जिससे उसने उसको डोमिनेट किया और उस पर प्रेशर डाल के फाइट अपने नाम कर लिया। जोसना मैं बीच में आपको इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े एक फेवरेट बॉक्सर भी दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं समझ रही हूँ। हाँ, अखिल कुमार भी यहाँ पर दिख रहे हैं, बिल्कुल बड़े ही लोकप्रिय और पॉपुलर बॉक्सर और बड़े ओपन स्टांस के साथ एग्रेसिव बॉक्सिंग अपने टाइम में ये करते थे, बीजिंग में हमने देखा और मेडल बीजिंग में जरूर नहीं मिला था 2008 में, लेकिन सब इनका फैन हो गया था, विजेंदर से ज्यादा बातें अखिल कुमार की होती थी कि क्या बॉक्सिंग की है इन्होंने। तो अखिल, लवलीना ने भी कुछ जबरदस्त बॉक्सिंग की है और ब्रॉन्ज भी लेकर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को मुबारकबाद दूंगा कि हिंदुस्तान का बॉक्सिंग के अंदर एक और पदक आ गया, इससे पहले विजेंदर और मैरी कॉम का ही पदक था, साथ के साथ जो तुर्की की बॉक्सर थी नेटवर्क की कनेक्टिविटी का दिक्कत लग रहा है समीप, लेकिन अब ये जो मुकाबला हुआ है लवलीना का टर्किश बॉक्सर से, इसमें जरूर वो हारी जरूर है लेकिन कुछ सीख कर जरूर गई होंगे, जब आप इस तरह के बड़े नंबर वन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाते हैं। और समीप, आई एम वेरी श्योर लवलीना जब वापस घर लौटेंगी ना, जब उन्हें आराम से वक्त मिलेगा अपने लिए, तो वापस वो इस मैच को देखेंगी और उसमें वो देखेंगी कि कहां वो कमी रह गई, कहां वो चूक रह गई, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर वो काम कर सकती हैं ताकि अगली बार जब वो इस तरह की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आए या अगले ओलंपिक में आए तो और ज्यादा तैयारी के साथ और ज्यादा अनुभव के साथ आए और अच्छी रैंक वो हासिल करें। बिल्कुल, और राजेश जी बता सकते हैं इस बारे में, खुद कोच है कि यहां से सफर तो शुरू ही हुआ है लवलीना का। देखिए, आने वाला समय बॉक्सिंग में देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और किस तरह की समीक्षा आज हम कर रहे हैं टीवी पर, सर ये समीक्षा हर टूर्नामेंट के बाद होनी चाहिए कि कौन सी जगह पर किस बारे में कमी रह गई प्लेयर से, या उनके ऊपर मानसिक दबाव था या वो उसकी फिटनेस में कमी थी, ये समीक्षाएं हर टूर्नामेंट से पहले होनी चाहिए। हम एक बड़े इवेंट पे तो खिलाड़ी को लेकर जाते हैं कि खिलाड़ी के अंदर ये कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ में कमी रह गई, लेकिन हम छोटे टूर्नामेंट पर समीक्षा नहीं करते। हम दो की बहुत बड़ी कमी है इंडियन स्पोर्ट्स में कि हमें हर छोटे से छोटे टूर्नामेंट को समीक्षा के नजरिए से देखना चाहिए ताकि हम उनको समय रहते जो कमियां हैं उन कमियों को समय रहते दूर कर सके। बिल्कुल, और राजेश जी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, महिला बॉक्सर्स ने बड़ा कमाल किया हाल में और आज ब्रॉन्ज जीत लिया है लवलीना ने, इससे पहले मैरी कॉम ने 5-6 बार वर्ल्ड चैंपियन, जिस तरीके से महिला बॉक्सिंग सरिता देवी भी आई थी, उन्होंने एशियन गेम्स में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था, हमें पता है थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी, लेकिन महिला बॉक्सिंग में जो कमाल हो रहा है और लवलीना ने जो कमाल किया है, और ये ज्यादा लंबा सफर नहीं है उनको बॉक्सिंग में, जब उनके कोच शिव सिंह जी ने देखा 2012-13 में उन्होंने शुरू किया किक बॉक्सिंग करती थी और वहां से एक बहुत कम समय में इतना जो इंप्रूवमेंट उनमें देखने को मिला है। अगर अखिल मेरी बात सुन रहे हैं, मैं अखिल की तरफ एक बार जाना चाहूंगा। राजेश जी, अखिल आपकी प्रतिक्रिया बीच में कट गई थी इस ब्रॉन्ज मेडल में क्योंकि सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। भाई इसलिए कट गई थी, फोन से ही बात कर रहा हूं और लगभग फोन बज ही रहे लग रहा है वापस कॉल होल्ड पे चला गया। फोन से ही कनेक्ट करूं आप लोगों के साथ, बार बार फोन में मतलब फोन आ रहे हैं बीच में, इसलिए कनेक्टिविटी खराब हो जा रही है जी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो दे रहे थे वो पूरी करें, फिर उसके बाद हम सवाल दागना शुरू करेंगे आपसे। मेरे से सवाल ही पूछ लो, प्रतिक्रिया क्या दूंगा, बधाई हो आपको इस ब्रॉन्ज मेडल के उपलक्ष्य में।
लेकिन लेकिन आपको लगता है ब्रॉन्ज डिजर्विंग था या फाइनल तक जा सकती थी अखिल? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो काफी सुपीरियर थी बॉक्सर, और इस तरीके से और इन टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए कौन सा बॉक्सर कैसे खेलेगा, किस तरीके की वेट कैटेगरी में दिक्कत आती है, कौन बॉक्सर किसकी क्या अचीवमेंट है। और जब आप अगर आप इसकी जो तुर्की की बॉक्सर है उसकी बाउट देखोगे आप पिछली 2-3 साल की और ऑब्जर्वेशन करोगे तो काफी टैलेंटेड और काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसके पंच में अलग सी एक अलग सी पावर कॉम्बिनेशन स्पीड और एक स्वैग की बात कर रहा था मैं लास्ट किसी से बात की थी मैंने, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था वो किसी बॉक्सर में दिखाई नहीं दे रहा था। लवलीना तो कहीं ठहरी नहीं रही थी उसके सामने हर एक चीज में। भाई संदीप, मैं वही अखिल कुमार हूँ, सीधी बात करने में विश्वास करता हूँ, लीपा पोती अपने को पसंद नहीं है। अच्छा अखिल जी, बिल्कुल सीधी बात ही आजकल दर्शकों को पसंद आती है। मेरा एक और सवाल आपसे, जब आपने ओलंपिक के लिए तैयारी की थी, जब आप ओलंपिक के लिए गए थे तब और अब के ओलंपिक में बॉक्सिंग में एज अ स्पोर्ट आप क्या बदलाव देखते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि किन बदलावों की जरूरत है? अखिल का तो फोन बज गया यहाँ पर फिर से जो है, लेकिन ये लेकिन इस सवाल का जवाब एक हमारे साथ कोच भी जुड़े हुए हैं, सुलझे हुए कोच हैं, और कोचेस के पास जो नजरिया होता है वो खिलाड़ियों से भी बेहतर होता है। राजेश जी, आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब वाकई में, कि हमने देखा 2008 में ये जो एक बॉक्सिंग में हमने वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक लेवल पे जाके मेडल लेना शुरू किया है, वहां से लेकर अब तक कितनी इंप्रूवमेंट आप देखते हैं हिंदुस्तान की बॉक्सिंग में? हिंदुस्तान की बॉक्सिंग मैंने पहले ही बोला बहुत ब्राइट है, आने वाले समय में यदि आप लेके चलो तो 2028 में बहुत सुनहरा भविष्य देखोगे बॉक्सिंग में इंडिया का। और महिला बॉक्सिंग की यदि मैं बात करूं तो महिला बॉक्सिंग कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 20 सालों का इतिहास है। 2000 में लड़कियों की बॉक्सिंग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आप देखोगे तो मेडलों की एक झड़ी लगा दी महिला बॉक्सरों ने। और आज हम लवलीना को क्रिटिसाइज नहीं, हम लवलीना को एप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने एक पदक दिलाया वो भी ओलंपिक जैसे खेलों में, जहां पर आप देखोगे देखो हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है और वहां से कितने लोग खेलने गए ओलंपिक, 126 लोग खेलने गए हैं। तो हमें हमारे देश के एक इतने लोगों को 126 खिलाड़ियों का नाम तक नहीं पता होगा स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स के बारे में हमारे इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है भाई साहब, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी कोई भी स्पोर्ट्स हो तभी आगे बढ़ेगा, जब किसी भी स्पोर्ट्स की अच्छी मार्केटिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा वो उसको लोग पहचानेंगे, उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। क्रिकेट से कंपेयर कीजिए, कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा तो हर गेम उठेगा। जी राजेश जी, राजेश जी अखिल कुमार के पास चलते हैं इससे पहले कि उनका फोन आ जाए। अखिल फिर से फोन आ जाएगा आपका, बार बार बात कट जा रही है। ये बताइए लवलीना के ब्रॉन्ज को देखकर आपको कितनी खुशी मिलती है कि एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, और लवलीना में कितना पोटेंशियल, कितना दमखम दिख रहा है कि 3 साल में पेरिस और उसके बाद, क्योंकि सिर्फ 23 साल की है ये बॉक्सर और हाइट का एडवांटेज बहुत जबरदस्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि लवलीना टैलेंटेड है, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे प्लानिंग रहेगी तो काफी अच्छा रिजल्ट दे सकती है और आगे देगी भी। लेकिन जिस तरीके से जो वर्ल्ड चैंपियन के साथ उसने खेला है, फाइट अच्छी थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बाउट अच्छी नहीं थी, बाउट अच्छी थी, लेकिन जो सामने वाली मुक्केबाज थी काफी एक्सपीरियंस थी, उसको टैक्टिक्स और टेक्निक अगर आप देखो कितनी प्यार से वो क्लिंच कर रही थी, उसकी सीखने वाली बातें हैं। जो जिस तरीके से वो क्लिंच कर रही थी, क्लिंच तुर्की की बॉक्सर कर रही थी, लेकिन जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो मिल रहे थे लवलीना को। आपने देखी होगी बाउट जो मैं कह रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे होंगे। और जिस तरीके से उसके पंचों में पावर थी, स्पीड थी, हालांकि शुरुआती जो शुरुआत हुई थी लवलीना ने अच्छी शुरुआत की, जैसे ही लास्ट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड के लास्ट में हार्ड हिट लगी उसके बाद वो स्टैमिना जो शुरुआती दौर में मतलब जो पहला राउंड था जिसमें शुरुआत की थी वो सब चीजें खत्म सी हो गई थी। तो अभी बहुत मेहनत की जरूरत है और एज भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है और टैलेंटेड भी है, मैं समझता हूँ अच्छा रिजल्ट दे सकती है आगे। बिल्कुल अखिल, आप तो खुद एक ओलंपियन रहे हैं और आपसे बेहतर सुझाव, आपसे बेहतर राय कौन दे सकता है। लेकिन अब जब लवलीना भारत आएंगी तो भव्य जोरदार स्वागत होगा उनका, क्योंकि युवा बॉक्सर हैं वो, 23 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल लाना भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा
करिश्मा, बड़ा नाम उन्होंने अपने लिए किया है। और अखिल, अगर मैं ये कहूं कि एक लंबे सफर की शुरुआत यहां से उन्होंने कर ली है, वो दरवाजा खोल लिया है जहां से अगर आगे उन्हें सही दिशा मिली, सही गाइडेंस मिली, तो सिर्फ मेडल्स और मेडल्स की ही झड़ी लगेगी। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं मैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, अगर उनको सही ढंग से गाइडेंस और ये सब चीजें मिलती रही तो आने वाले ओलंपिक में उनका पदक। फोन आ गया, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ सच में फोन आ गया था। जी जी, पूरी कीजिए आपकी बात। आगे भविष्य, आगे भविष्य में भी अच्छा रिजल्ट देगी हिंदुस्तान के लिए। जी, की बात करें तो लवलीना में, क्योंकि आप बड़े क्लोजली फाइट देख रहे थे और मैं आपसे फोन पे भी बात कर रहा था, मैं राजेश जी से भी ये पूछूंगा कोच के नजरिए से, लेकिन एक बॉक्सर ने, जो ओलंपियन है, एक्सपीरियंस बॉक्सर है, बड़े बड़े फाइट्स लड़े हैं, मेडल जीते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल लेवल पर, आपने लवलीना की ताकत क्या देखी? कमजोरियां हमें दिख रही है कि ये है, ताकत क्या है इस बॉक्सर के अंदर? मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया था क्योंकि फिर से फोन आ गया था। जी जी जी, आप रिपीट कर पाएंगे मेरे लिए? जी हाँ, अखिल मैं पूछ रहा था लवलीना में क्या ताकत दिखी, इनके कोच से बात हुई थी, इनके साथी बॉक्सर से बात हुई थी, कहते हैं कि बड़ी कूल और काम है, बड़े ठंडे दिमाग की बॉक्सर है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है मुझे ऐसा लगता है इस बारे में। और इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत लवलीना में दिखी हो? सबसे जो शुरुआती, अगर आप 30 सेकंड देखोगे, 30 से 1 मिनट देखोगे, अगर उसी चीज पे उसकी इंप्रूवमेंट कराई जाए, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस से खेलते हुए बॉडी मूवमेंट के साथ फुट मूवमेंट भी हो और साथ में काउंटर पंचर हो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे जिस तरीके से, भाई माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, बार बार कॉल आ रही है। कोई बात नहीं, बनता है आज फोन आना ही आ रही है, आज बनता है, आज फोन नहीं आएगा, आप लोगों की ही आ रही है। बिल्कुल जी, अखिल जी। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम राजेश जी से अगला सवाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो है स्टेट पंच से, जैसे वो जो कि उसका खेल होना चाहिए था, स्टेट पंच से वो खेलती रहे, साथ में जो बॉडी स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ अच्छी। फोन आ गया, चलिए राजेश जी की तरफ बढ़ते हैं। राजेश जी, वही सवाल जो समीप ने अखिल जी से पूछा, वीकनेसेस की तो हमने बात की, हमें मालूम है कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस वजह से मैच हारी, लेकिन उनके पॉजिटिव्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है जिन पर अगर वो आगे काम करेंगी तो एक चैंपियन प्लेयर के रूप में उभरेंगी? मैडम, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, लवलीना टॉल बॉक्सर है, उनकी हाइट 5 फुट 5 फीट 10 इंच है, जो कि महिला बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा हाइट है। तो और दूसरी चीज है, लवलीना तलाक बॉक्सर है, अपने दिमाग से खेलती है, बॉक्सर को पूरा ऑब्जर्व करती है, सुपरविजन करती है उसका, विरोधी बॉक्सर का, और फिर अटैक करती है, काउंटर अटैक में लवलीना बेस्ट है। यदि आप उसकी क्वार्टर फाइनल बाउट देखोगे तो वो किसी कारण से जीती थी, उसने पहले अटैक नहीं किए, पहले डिफेंड किया बॉक्सर को और फिर अटैक किए, जिससे वो क्वार्टर फाइनल बाउट जीती और सेमीफाइनल में पहुंची। लवलीना का विषय और उज्ज्वल हो सकता है आने वाले समय में, वो अखिल भाई ने ठीक बताया है कि उसमें अभी जहां तक मैं भी देख पा रहा हूँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है। वो अपने पंच तो कनेक्ट कर पाती है लेकिन पंच के अंदर वो जान, वो पावर, वो स्ट्रेंथ नहीं डाल पाती, बॉडी वेट नहीं डाल पाती। जब एक पंच के अंदर आप बॉडी वेट डाल देते हैं, पावर डाल देते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी और हीटिंग बढ़ जाती है, जिससे विरोधी बॉक्सर हारने पे मजबूर हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा लवलीना को टॉल होने का है, उसकी हाइट एडवांटेज बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और जोशना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये क्या साबित करता है उनके बॉक्सिंग टैलेंट की, उनके मानसिक ताकत की, कि पहले ही ओलंपिक में जाके आप ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हो, सबसे बड़े लेवल पे जहां पर इतना दबाव होता है, जहां पर इतनी उम्मीदें होती हैं, और वापस जाकर आप अगर पहले ही ओलंपिक में मेडल लेते हो तो बहुत सारी बातें यहां पर साबित होती है कि लवलीना में बहुत दमखम है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है वहां से, और ब्रॉन्ज मेडल अब से कुछ देर पहले उन्होंने जीता, क्योंकि सेमीफाइनल बाउट हार गई लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना ब्रॉन्ज तय कर लिया था। हिंदुस्तान की झोली में एक और मेडल आ गया, मैं आपको बता दूं, और सारे मेडल अभी तक जो है हिंदुस्तान की बेटियों ने ही लिए हैं, लड़कियों ने ही लिए हैं। गौरव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, गौरव आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी सर। चाहे बॉक्सिंग हो या बैडमिंटन हो या वेट लिफ्टिंग हो,
हर चीज में लड़कियां, और अब लवलीना ने विमेन्स बॉक्सिंग में मैरी कॉम से उम्मीद थी लेकिन अब लवलीना ने कर दिखाया। क्या वजह है कि हमारी लड़कियां इतनी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है? अब रेसलिंग में एक दो आए हैं बेचारे, रवि भी आए हैं और दीपक भी आए हैं, लेकिन पीछे चल रहे हैं कॉम्पिटिशन में बहुत बुरी तरीके से। हाँ जी सर, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आप स्ट्रेंथ में कंपेयर करो तो हम लोग ज्यादा हो सकते हैं, बट साइकोलॉजिकली एंड मेंटली अगर आप वुमेन्स फॉर्म से कंपेयर करो तो दे आर फार अबाउंड से, बहुत काफी ऊपर है वो लोग, और उसी का कारण है कि उनका मेडल आया है अभी, क्योंकि हमारे सारे मेल्स बॉक्सर्स को देखो, आई टेल सबने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया अपने पास्ट में, इवन इसमें भी पूरी कोशिश की होगी, बट जो मेन रीजन था जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आई है, इट्स लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना उसमें 20 नहीं 21 ही होती है। और जो लवीना की बात समीप आपने कही, मैं इस और जो साथ स्टूडियो में वो भी 21 ही है मेरे से, हाइट में जरूर 21 हूँ। स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ की बात समीप आपने कही है ना लवीना के लिए, मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जो काम कंपोज्ड नेचर उनका है वो उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि हम आधा मैच तभी हार जाते हैं जब ओपोनेंट से हम डर जाते हैं। बिल्कुल, और बुलंदियां छुई है अपने पहले ओलंपिक्स में जोशा, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है, क्योंकि अगर आप अपने पहले ओलंपिक्स में ऐसा कमाल करते हैं तो वाकई में आप स्पेशल हैं, आप में कुछ खास है, जैसा कि हमने देखा पीवी सिंधु ने किया, देखिए अगले ओलंपिक्स में जाके उसने मेडल को रिपीट कर दिया और चैंपियन मटेरियल है। बहरहाल, राज्यसभा में प्लेकार्ड लहराने वाले सांसदों की कैसे बढ़ने वाली है मुसीबत, पूरी खबर बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।